चलो फ्रेंड, आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात कर रहे होंगे पॉलीनोमियल के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इसमें हम बेस्ट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमको के की वैल्यू को फाइंड करनी है। अब क्या करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, अपन को करना क्या होगा, देखो इसका एक जीरो क्या दिया है, 2 दिया है। तो जो तुम्हारा पॉलीनोमियल पी एक्स दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। कुछ नहीं करो, x के जगह पे 2 रखो और इस पॉलीनोमियल को क्या कर दो, 0 के इक्वल। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस के। इधर से तुमको क्या मिलेगा, 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू, इधर क्या आपका 0 है, इसका मतलब k इक्वल टू क्या मिल गया आपको, माइनस 10। के का वैल्यू क्या मिला है, माइनस 10। तो ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है ये देखो, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है आपका, क्यूबिक है, एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो दिया है गिवन दैट टू ऑफ द जीरोज, देखो दो जीरो क्या इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के, दो जीरो आपको क्या दिए हैं इसके, क्यूबिक पॉलीनोमियल आर 0। अब देखो क्यूबिक पॉलीनोमियल है तो इसके जीरो कितने होंगे, 3 होंगे, लेट से अल्फा बीटा गामा। हमने ये दिया है 2, एक तो अल्फा 0 मान लो और बीटा को भी क्या मान लो, 0। तो पूछ रहा है थर्ड जीरो क्या होगा, लेट से गामा की वैल्यू हमसे पूछा है। तो अब देखो अपने को लिखना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब इसमें देख लो तुम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए है। इधर देखो दिया क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 0 है, तो गामा कितना निकल के आ गया, माइनस बी बाई ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इफ वन ऑफ द जीरोज दिया है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस वन इज माइनस 3। आपको देखो एक जीरो क्या दिया, माइनस 3 दिया है, राइट माइनस 3 दिया है। आपको पूछा है के की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। हमको दिया है पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिया है के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। हमको मान लो एक जीरो दिया है, अल्फा इक्वल टू सपोज माइनस 3 दिया है, तो कुछ नहीं करना है, x के जगह पे आप माइनस 3 पुट कर दो, देन यू विल गेट k माइनस 1, x के जगह पे क्या रखोगे, माइनस 3 का होल स्क्वायर। इधर x के जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस 3 k प्लस 1, इसको हमको इक्वल किसके रखना है, 0 के। तो देखो इधर से आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा k माइनस 1 माइनस 3 k होगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। इधर से आपको मिलेगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। चलो अब देखो 9k माइनस 3k कितना होगा बोलो, 6k होगा, और इधर क्या मिलेगा आपको, माइनस 8 इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6k इक्वल टू 8, तो k मिलेगा आपको 8 बाई 6, काट दो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो आ गया k की वैल्यू 4 बाई 3। k कितना निकल गया, 4 बाई 3। देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल व्हिच जीरोज आर माइनस 3 एंड 4। देखो एक जीरो दिया है, अल्फा मान लो माइनस 3 दिया है, बीटा कितना आपका दिया है, 4 दिया है। अब देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फार्मूला है। आपको करना क्या, अपने को x स्क्वायर रखो, अल्फा की जगह पे अपने को माइनस 3 रखना है, बीटा की जगह पे क्या रखोगे, 4 x प्लस देखो माइनस 3 इंटू 4। क्या मिलेगा आपको इधर से, x स्क्वायर, इधर से आपको मिलेगा माइनस x माइनस 12।
यही मिला। अब देखो ऑप्शन में देखो, 1 + 12 ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसके बारे में अब सोच लो। तुमको करना क्या है, इस टोटल एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे देन विल गेट x² / 2 -x/2, इधर से आपको कितना मिल गया, -6। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अब ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है देखो, कोई भी आप पॉलिनोमियल सपोज अगर ऐसे पी एक्स लिखते हो ना, तो क्या लिखोगे, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, आप यही लिखोगे। तो एक के अब क्या क्या कॉन्स्टेंट है, तो आप किसी भी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हो पॉलिनोमियल को, राइट। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + a + 1x + b आर 2 और -3। तो एक आपको पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू x² + a + 1x + b। इसके देखो एक जीरो दिया, अल्फा मान लो 2 दिया है, और बीटा कितना दिया, -3। तो कुछ नहीं करना आपको, अब एक बार क्या करो, x के जगह पे अपन को 2 रख देना है। तो चलो p2 निकालते हैं। तो 2 का स्क्वायर करोगे, अल्फा सॉरी अल्फा नहीं है, इसके है ए, अब इसको करना क्या है, देखो ये दिया है a+1, x के जगह पे क्या रखोगे आप, 2 रखोगे, +b इक्वल टू क्या करो, 0। ये हो गया 4। देखो 2 के मल्टीप्लाई करोगे पाओगे 2a+2, और ये निकल के आया आपको b=0। तो मिले आपको 2a+b=, देखो 4 2 -6 हो जाएगा इधर, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, x के जगह पे अब क्या रख दो, -3 पुट कर दो। तो आपको मिलेगा p-3, रखो तो अब इधर रखोगे -3 का स्क्वायर + a+1 * क्या करोगे, -3 + b। तो देखो 3 का स्क्वायर होगा 9, इधर आपको क्या मिलेगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस में वैल्यू मिल रहे होंगे। तो चलो क्या मिलेगा, -3a - 3 + b = क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो इधर से देखो आपको क्या मिल रहा है, -3a + b और इक्वल टू ए भी निकलेगा, -6, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। चलो इधर अपन को करते हैं, तो आपको मिला है 2a + b = आपको -6 मिला है, और -3a + b = -6, ये दोनों को सॉल्व कर दो। देखो इसको प्लस कर दो, माइनस कर रहे हैं, ये माइनस होगा, ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो आपको मिलेगा 5a = 0। देखो ये प्लस माइनस ये क्या होंगे, कट जाएंगे, ये भी क्या होगा आपका, कट जाएगा। तो इधर से आपको निकल के आ गया a की वैल्यू क्या निकली भाई, a की वैल्यू क्या निकली, 0। जब a 0 निकल गया तो यहाँ पे क्या रख दो इस वाले में, 3 * 0 + b = -6। तो b का वैल्यू क्या निकल के आया, -6 निकल के आया। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दिस विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलो देखो हर बार की तरह ये भी क्या आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, ax² + bx² + cx + d। तो गिवन दैट इसमें क्या दिया आपका, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या एक आपका इसमें जो पॉलिनोमियल है दैट इज 0। तो सपोज एक हमारा क्यूबिक है, इसको कितने जीरो होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। हमने सपोज मान लिया अल्फा की वैल्यू क्या है, 0। तो पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज, तो इसका मतलब हमको पूछ रहा है बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगी। तो चलो आपको मालूम स्टूडेंट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, होगा क्या भाई, देखो जब आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते तो -b/a आता है, इधर से आपको क्या मिल के आएगा, इधर से आपको मिल के आएगा c/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0 तो भी 0 हो जाएगा,
मिलेगा आपको बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो और भाई तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। बोल रहा है इफ वन ऑफ द जीरोज, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस वन, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोज इज। तो हर बार की तरह भी सेम ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, किसके कितने जीरो होंगे, तीन जीरो होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब इसमें देखो भाई, इसमें दिया तुम्हारा है एक जो जीरो है, राइट, क्या है एक जो जीरो है, मान लो हमने अल्फा को मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी दी है, वन दी है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको फोड़ते हैं, अब इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की देखो फार्मूले में क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इधर बी क्या है आपका ए है, तो सिर्फ क्या होगा माइनस ए बाई वन, ये आपका फार्मूला है, राइट, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका क्या है फार्मूला है। तो इधर से आपको निकल के आया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए आया। अब अल्फा की जगह पे आप क्या रख दो, माइनस वन रख दो, मिलेगा बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस ए। इधर से आपको मिल रहा है बीटा प्लस गामा इक्वल टू वन माइनस ए। चलो बहुत बढ़िया, अब हम इसको करते हैं, दो दो का प्रोडक्ट ले लो, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, तो सी आपका इधर क्या है बी है, तो हो जाएगा ओनली बी। अल्फा की जगह पे क्या रखो, माइनस वन रख दो, इधर हो जाएगा माइनस बीटा, इधर होगा बीटा गामा, इधर हो जाएगा माइनस, अल्फा की जगह पे वन रखोगे तो माइनस गामा हो गया, इधर निकला आपको प्लस बीटा। अब बीटा गामा को इधर ही छोड़ दो, बी इधर रखो, बीटा को भी इधर लेकर आ जाओ, गामा को भी इधर लेकर आ जाओ। अब देखो बीटा और गामा की वैल्यू अपन ने क्या निकाला है, वन माइनस ए, तो इसके जगह पे अपन क्या रखेंगे, वन माइनस ए, तो मिलेगा बीटा प्लस वन माइनस ए। अब देखो ऑप्शन चेक करो, बीटा सॉरी बी प्लस वन माइनस ए कहाँ मिल रहा है आपको, बी प्लस वन माइनस ए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, राइट। तो आप इस तरीके क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं, देखो हमने कुछ नहीं किया है, एक बार रिपीट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा आपका, माइनस ए होगा, क्यों, माइनस बी बाई ए होता ही है, तो माइनस ए हो गया। अब हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ए है, अल्फा की जगह पे हमने क्या कर दिया, माइनस वन पुट कर दिया, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या निकलेगी, वन माइनस ए। अब हमने क्या किया, दो दो का प्रोडक्ट लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा को माइनस वन से हमने रिप्लेस कर दिया, तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा माइनस गामा मिला, इधर वैल्यू क्या आ रही है, बीटा आ गई। अब हमको चाहिए बीटा गामा, बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, बी प्लस बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आपने निकाला, वन माइनस ए, तो वन माइनस ए हमने यहाँ पे रख दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या आ रही है, बी प्लस वन माइनस ए, बी प्लस वन माइनस ए। तो हमारा आंसर जो ए वाला है यही अब क्या राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, पूछ रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब देखो जब भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा ना, पी एक्स, एक जनरल हम बात करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, राइट, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब देखो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है ना, उसका जब ग्राफ आप खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पैराबोला का शेप देखो कैसा होगा, या तो ये देखो अपवर्ड हो सकता है, राइट, अपवर्ड हो सकता है, या तो यही आपका क्या हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, या तो इसका ओपनिंग एक्स एक्सिस की तरफ, या तो इसका इस एक्सिस की तरफ, ऐसे हो सकता है। अब इसमें देखो ये तो हमारा हो गया क्या, ए पैराबोला हो गया, राइट, तो पैराबोला का शेप या तो ऊपर की तरफ खोल दो, या तो नीचे की तरफ खोल दो, या तो इधर खोल दो, या तो इस साइड में खोल दो, बस बनेंगे तो कैसे बनेंगे, पैराबोला का शेप कैसा होता है, यू शेप का होता है, राइट, कैसा होगा, यू शेप। लेकिन अब इसमें देखो ए भी यू शेप, ए भी यू शेप, ए भी यू शेप, लेकिन यू शेप है, ए यू शेप नहीं है। इसमें देखो ग्राफ कितने कब कट कर रहा है, एक
यहाँ पे दो जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और देखो इसका शेप भी कैसा है, यू जैसा नहीं है, इसके कितने टर्निंग पॉइंट है देखो, कितने मिल रहे हैं। एक ग्राफ और आगे जाएगा तो और कहीं पे कट कर देगा, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यही क्या है, ये पैराबोला मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, राइट। तो अपन इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कर लेंगे। तो जो भी तुम्हारा देखो पैराबोला का जब जो भी शेप होगा कैसा होगा भाई, ये आपको याद रखना यू शेप होगा, ठीक है। ये तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 48r। अब आपका एक पॉलिनोमियल दिया पी एक्स, ये क्या है 3x² - 48। इसके हमको जीरोज का नेचर बताना है, राइट। तो अब इसको देखो क्या कर लो, ये 3x² - 48 आप लिख लो, इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, √3x² लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना मिलता है भाई आपको, 3। अब देखो 48 को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 × 3, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4√3 को एक ब्रैकेट में कर लो, इसका होल स्क्वायर, a² - b²। तो √3x + 4√3 आप एक ब्रैकेट में डाल लो, और दूसरे को √3x - 4√3 एक ब्रैकेट में डाल लो। इधर से वैल्यू आपको क्या मिलने वाला है भाई, इधर से वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगा, राइट। और इधर से वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो एक जीरो होगा इस वाले का, इधर से तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, इधर से क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो इसका वन, इसके जो जीरो जो होंगे, एक पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप अपनी तैयारी को करते रहो। देखो जो टर्म वन में आएगा सबसे आपका मेन साथी क्या होगा भाइयों, आप प्रैक्टिस करते रहो, जितना ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप मार्क्स को अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।